और झंडू कैसे कर रही जेल में? अरे साहब कुछ बढ़िया नहीं, सारी रात भर मच्छर काटे साहब। अरे चुप, तू चोरी करेगा जेब काटेगा तो मच्छर तो काटेंगे ही। तो साहब एक मोर्टिन ही दिलवा दो। अरे चुप 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 चुप। अच्छा तू ये बता, लगता है गुटखा है? गुटखा? अच्छा छोड़ इन बातों को, अब असली बात चाहते हैं। तूने घर के मालिक और मालकिन के होते हुए चोरी कैसे करी? साहब आपकी तनख्वाह तो भगवान की दया से ठीक ही है। हाँ है तो परिवार में सुख चैन और शांति है? अब तो सारे सुख चैन और मजे दरवाजा। तो आप ये सब जानकर क्या करोगे कि मैं चोरी क्यों करता हूँ? अरे मैं तो इंक्वायरी कर रहा हूँ, चोरी करना कौन सीखता है? तू चाहता है मैं तुझे छोड़ दूँ? तू आगे आज चोर है, अगले आगे जाके बड़ा डाकू बन सके? हम पुलिस वाले तुझे चूतिया लगते हैं, हम पुलिस वाले अगले जन्म का विवाह तुगलवा देते हैं। तू अपने आप का बड़ा साड़ा बनता है। अच्छा तू ये बता, तू जिधर भी जाता है उधर कोई भी ना? साहब एक तो मोबाइल पर फेसबुक मेरे बिजनेस में बहुत मदद करता है। क्यों भाई, मोबाइल फेसबुक पर तुम्हें कोई चोरी करने का तरीका बताता है? अच्छा ये बता, तुझे गुप्ता जी के बारे में क्या लगता है कि गुप्ता जी के घर पे कोई भी ना? साहब गुप्ता जी ने पूरे 15 फोटो दे रखे थे फेसबुक पर और ये लिख रखा था मस्ती विद फुल फैमिली इन मंसूरी। एक बात का तो मुझे पता चल गया, तेरे अंदर टैलेंट को भी शर्माती होगी। इसका मतलब तू पूरा ग्रुप बनाने की तैयारी में था जिसका सरदार डाकू झंडू सिंह। तेरा सपना तो मुझे ऐसा ही लागे। झंडू दुनिया में बहुत से काम है जो आदमी कमा कर खा ले, तू चोरी क्यों करता है? क्या मजबूरी है तेरी? बस बस वाह बेटा वाह, बहुत से देखे पर तेरे तरे तरे। साफ कानों का क्या मतलब है तेरा? अरे साहब मतलब तो साफ है, जो मैं चोरी ना करूं तो इस देश की जनता में और सरकार में आपकी जरूरत क्या पड़े? इससे तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और आपके बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे। बस बस रुलाएगा क्या? अरे तू चुप। अच्छा तू ये बता, तू पकड़ा कैसे गया? तेरे पीछे तो एक भी स्टेट की पुलिस ना थी। क्या बताऊं साहब, तू तो किसी के नजर में भी ना था। क्या बताऊं साहब, यह मेरी दुख भरी कहानी। कहानी तो तेरी दुख भरी और जेब तेरी नोट भरी, एक बार तू अपनी कहानी तो बता। मैं एक सेठ के यहाँ चोरी करने गया था, बस तिजोरी का ताला तोड़ने वाला था। इतने में वहाँ कुछ लिखा दिखा, ताला तोड़ने में समय नष्ट ना करें, 420 नंबर डायल करके लाल बटन दबाएं, तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, खुल गई तिजोरी? आगे तो सुनो, जैसे ही मैंने नंबर डायल करके बटन दबाया इतने में अलार्म बजने लगा और सेठ ने अलार्म की आवाज सुनकर पहले तो पुलिस को फोन किया, फिर बहुत पीटा सेठ ने, बहुत कला, फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। उसी दिन से मेरा भरोसा इंसान से उठ गया था। झंडू ये बता, तूने समाज की खातिर कुछ भलाई का काम किया है? अरे साहब हमारे कारण तो पुलिस में और अदालत में लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। क्यों बे, तू क्या किसी मंत्री का कच्चा धोया करता था जो तेरे खातिर पुलिस और अदालत में हजारों लोगों की नौकरियां मिल रही हैं? अच्छा झंडू पक्ष में तेरी एक और की सुनवाई थी जो तूने एक अफसर के जेब में जलती हुई तीली डाल दी थी, वो क्या डकैती थी? साहब उसने मुझसे कहा था जो जमानत करवानी हो तो मेरी जेब गरम कर दो, इसमें मेरा क्या जुर्म था? अरे जुर्म मेरे को तो बताऊं, तूने ढेर सारे जुर्म कर रखे हैं और तेरे सारे जुर्म साबित भी हो चुके हैं, बस तू कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा।
है।